हेलो एवरीवन, ट्रिक्स की सीरीज़ में आप लोगों का वेलकम है। और आज जो हम लोग ट्रिक्स देखने वाले हैं वो है 2 और 3 अंकों के वर्ग का, ठीक है। यानी 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स का जो स्क्वायर है वो आप कितनी आसानी से निकाल सकेंगे ये आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका जो कंडीशन होगा, आप स्क्वायर कैसे करेंगे देखिए। 35 का स्क्वायर, इसको आप विद इन दी मिनट करना शुरू कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, विद इन दी सेकेंड, बिल्कुल फ्यू सेकेंड्स में, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे करना शुरू कर देंगे, 5 5 या 25 एंड 5 4 या 20 23 का स्क्वायर, 3 3 या 9 एंड 6 6 12 सो 2 5, ओके। 98 का स्क्वायर, 98 दैट मीन्स 96 एंड 2 2 0 4, लाइक दैट। 213 का स्क्वायर, 213 दैट मीन्स 40,000 प्लस 169 प्लस 5200, सो 4 5 3 6 9। 107 स्क्वायर, 107 का वर्ग कैसे करेंगे, तो 7 7 49 एंड देयर आफ्टर 14 एंड 11। तो देखिए इस तरीके से आप बिल्कुल फास्ट तरीके से आप करना शुरू कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही है, 11 होगा, ठीक है, 11 4 4 9। अब आप देख लो, अब आप कैलकुलेटर निकाल लो, ठीक है, और कैलकुलेटर से आप चेक कर लो कि भाई ये जो मैंने लिखा है क्या ये सही है। मैंने देखिए कैलकुलेटर से नहीं लिखा, ठीक है, ईमानदारी वाली बात बोलता हूँ, ठीक है, आपको तो उस पर विश्वास करना पड़ेगा। ये आप कर पाएंगे, आप वीडियो को पूरा करें, वीडियो पूरा करने के बाद ये काम आपका जब खुद से होगा तो, और आप थोड़ा अगर फास्ट वर्क कर पाएंगे माइंड में, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लिख पाएंगे जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए, इसको पूरा लास्ट तक देखिए और आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, मज़ा ऐसा कि मज़ा को भी मज़ा, ठीक है। कुछ यहाँ पे मिसिंग हो गया है क्या, 5 6 या 13, ठीक है, थोड़ा जल्दी में, यहाँ पे 3 0 होना चाहिए था, इसको भी चलिए करेक्ट कर देता हूँ, 3 0, ठीक है, चलो 3 0 2 5, बाकी तो सब ठीक ठाक है, ठीक है। एक बार इसको मैंने काउंटर चेक कर लिया खुद से, ठीक है, ओके। अच्छा, तो आइए मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ये हमारा कैसे हो रहा है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रिक फॉर ट्रिक्स, ठीक है। देखिए मार्केट में बहुत सारे ट्रिक्स हैं और मुझको देखिए वाकई बच्चों से और स्टूडेंट से हमदर्दी है, ठीक है, इसलिए हमदर्दी है कि इतने सारे ट्रिक्स हैं मार्केट में और स्पेशली यूट्यूब में, ठीक है, कि मैं आपको क्या बताऊँ, अगर मैं कभी कुछ देखता हूँ तो सर पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको फालतू के ट्रिक्स नहीं अपनाना है, एक बात याद रखिए, हाँ, मतलब कोई आपको ट्रिक बता रहा है और बता रहा है कि ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, अरे कितना क्या करोगे भाई, मैथ भूल जाओगे क्या ट्रिक्स करने में, उतना उससे जल्दी तो आप बिल्कुल जो आपका नॉर्मल मेथड है उससे आप कर लेंगे। तो फालतू के ट्रिक्स को, जो जिसको मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि जो बकवास ट्रिक है, ठीक है, उसको मत आप लाइए, ठीक है। मतलब आपको पता चल जाएगा, कैसे पता करेंगे, तो जो ट्रिक आपका लॉजिकल है, मैथमेटिकल है, ठीक है, वो वही आपको अपनाना है, ठीक है। लगता है आपको देखने में कि चलो भाई बहुत अच्छा है, बस वो देखने में अच्छा लगता है, काम करेंगे तो आपका फिर वो माथा घूम जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरी बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पहले से ट्रिक मौजूद रहता है लेकिन हम उसका कंप्लीट यूज़ नहीं जानते, ठीक है। तो आप कंप्लीट यूज़ जानिए आपके पास जो ट्रिक है, ठीक है। अब आपके पास में जो है वो 3 लाख रुपया है और आप इसी का यूज़ पूरा नहीं जानते, तो भाई क्या करोगे 3 करोड़ रुपया, ठीक है। जिसका यूज़ आप जानते हो उतना ही अपने पास रखो, अगर इसी का आप पूरा यूज़ करोगे तो आपको ये पूरा क्या है संतुष्ट कर देगा, ठीक है। आई होप आप समझ चुके हैं मेरी बात को, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ जेन्युइन और लॉजिकल ट्रिक्स बताता हूँ। तो अब आप देखिए, ठीक है, स्क्वायर की भी बहुत सारी ट्रिक्स है लेकिन आप मेरे ट्रिक्स को फॉलो करना एग्जाम में भी और बहुत आप चैन से रहोगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2 डिजिट का स्क्वायर, ठीक है।
टू डिजिट, ठीक है, स्क्वायर्स, हम लोग टू डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। टू डिजिट के स्क्वायर को मैं दो पार्ट में बांटूंगा, ठीक है, एक आपका जिसमें लास्ट जो होगा डिजिट वो फाइव होगा, यानी जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा आपका, फाइव होगा, ठीक है। मतलब क्या, मतलब इसका मतलब ये है कि जो इकाई प्लेस है उसमें पाँच होगा, तो इसका एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे पंद्रह देखिए, ठीक है, पच्चीस, पैंतीस, ठीक है, ओके, इसी तरीके से पचपन, पंचानवे, इन इन सब की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें लास्ट में आपका फाइव आता है, ठीक है। तो एक तो हम लोग इसको देखेंगे कि भाई इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैसे होगा, और दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे मतलब कि अदर के बारे में, ठीक है। अदर का मतलब ये हो गया कि जिसमें फाइव नहीं होगा, कोई भी हो सकता है, जैसे आप देखेंगे कि टू थ्री का कैसे करेंगे, ठीक है, फोर सेवन का कैसे करेंगे, लाइक दैट, ठीक है ना। या मान लीजिए थ्री सेवन का कैसे करेंगे, है ना, सिक्स नाइन का, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि जिसका यूनिट डिजिट फाइव होगा हम लोग उसको किस तरीके से स्क्वायर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आराम से देखिएगा, देखने में हड़बड़ाइए मत, आसानी से समझिए, समझ जाएंगे तो स्पीड खुद ब खुद पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, जैसे ये जो है आपका फर्स्ट वाला काइंड जो है आपका, कि जिसमें ये यूनिट प्लेस है हमारा, ठीक है, जो यूनिट प्लेस है उसमें क्या होगा, फाइव होगा, मैं इसकी बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसका क्या करना है, जैसे सपोज़ कीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। आपको करना है मान लीजिए 15 का स्क्वायर, तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, आप क्या कीजिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कीजिए, और ये जो इधर जो जो भी डिजिट है तो उसके बाद जो डिजिट आता है, एक के बाद कौन आता है, दो, तो एक को दो से गुना कर दीजिए, तो एक दूना दो, यहाँ पर लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िए, 35 का स्क्वायर कर लेते हैं, 35 का देखिए, 25, ठीक है, फिर तीन के बाद कौन सा अंक आता है, चार, तो तीन चौके 12, तो आंसर क्या आ गया, 12 25, ठीक है। अब आपको यकीन हो गया मैं कैसे लिख रहा था वहाँ पे, ठीक है, इसी तरीके से लिख रहा था भाई 55 का स्क्वायर, ठीक है, इसको मैंने मिस्टेक किया था, तो देखो ये काउंटर चेक कर लो, 5 का स्क्वायर कर लो, और फिर 5 के बाद कौन सा अंक आता है, 5 6 30, तो आप बिल्कुल खुद से काउंटर चेक कर सकते हैं, ईमानदारी से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए, जिसमें यूनिट प्लेस आपका 5 होगा इकाई के स्थान पे, उसका आप स्क्वायर करेंगे सिंपली, तो देखिए हर जगह वो तो 25 ही आएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, 25 25 25, ठीक है, और जो उसके बाद जो भी अंक है उसको आप उसके बाद वाले मैथमेटिकल अंक से 5 के बाद 6, 3 के बाद 4, 2 के बाद 3, इस तरीके से गुना करेंगे, ठीक है। चलो एक आप करके बताओ, कर लिया होगा आपने बिल्कुल, 25 25, 5 का स्क्वायर कर दिया, 7 के बाद कौन आता है, 8, 7 8 56, देखिए कितना फास्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पहली ट्रिक, ठीक है। चलिए अब आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड ट्रिक में, जिसमें यूनिट प्लेस में 5 की कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो बी नंबर हम लोग देखेंगे अदर केसेस, यानी जिसमें 5 हो नहीं भी हो सकता है। तो अब देखिए 23 का स्क्वायर, ठीक है, 23 का स्क्वायर कैसे करना है, तो देखिए मैं ज़्यादा जो है आपको ट्रिक्स नहीं समझाऊंगा, 23 का स्क्वायर करना है भाई, क्या कर लो, 23 × 23 कर दो, ठीक है। अब 23 × 23 तो आप जानते हो करना, ठीक है, ये तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक में समझाया है, कितना सेकंड लगेगा, 2-3 सेकंड लगेगा, ठीक है। और अगर आपने मेरा मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, नीचे में देख लेना। तो देखिए अभी कितना सिंपल है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा गुना करते हैं, 3 3 9 और 2 2 4, 3 को 3 से कर दिया, 2 को 2 से कर दिया, और बीच वाले का क्या करना पड़ता है, तो बीच वाले में आपको पता है कि बीच वाले में दोनों को क्रॉस करके जोड़ देना पड़ता है, यानी 2 3 6 2 3 6 6 6 12, तो बीच में 12 तो नहीं लिखा जाएगा ना, इसका जो 1 है वो चला जाएगा 4 के पास में, जुड़ जाएगा, जोड़ने का तरीका आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा 9 2 5 4 और 1 5, ठीक है, 2 और 9 लिख दिया और 1 और 4 5, ठीक है। अब आपको यकीन हो गया मैं कैसे कर रहा था, बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था, ठीक है। तो ये देखिए ये ऑलरेडी ये ट्रिक आपके पास है, ठीक है, ये आप ऑलरेडी आपके पास है, ये क्या मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक क्या नहीं अपना सकते हम लोग, बिल्कुल अपना सकते हैं स्क्वायरिंग करने में, ठीक है। दो अंक आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो स्क्वायर कर लो, वैसे क्या दिक्कत है। अब इसके लिए अनाप शनाप
लेंदी हजार तरह का ट्रिक सीखने की क्या ज़रूरत, ठीक है। चले आए, अब इसी तरीके से सपोज़ कीजिए मेरे को 39 का स्क्वायर करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, 39 वेरी सिंपल, 9 9 81, ठीक है, 9 9 81, ये 81 हो गया और 3 3 9, ये हो गया आपका 9, इसका गुना 9 हो गया, इसका 81 हो गया। और बीच वाले का क्या करना होता है, तो बीच वाले का फिर से क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, 3 9 27 3 9 27, बीच में क्या आ जाएगा, 27 + 27 54, ठीक है, 9 3 27 + 9 3 27 54, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, इसको कैसे करते हैं आपको मालूम है ना, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले इसका 1 लिखा जाएगा, ठीक है, तो 1 लिख दिया। अब जो चूँकि 81 आया तो 81 का 81 तो आप नहीं लिखते ना, 1 लिखते हैं, ठीक है। फिर 8 हमारा क्या हो जाएगा, 54 में जुड़ जाएगा, तो 54 और 8, ये 8 आपका 54 में जुड़ जाएगा, तो 54 और 8 किया क्या हो गया, 62, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। अब ये जो 6 है ये फिर आगे बढ़ेगा और ये किस में जुड़ जाएगा, इस 9 में जुड़ जाएगा, ठीक है, तो 9 और 6 क्या हो जाएगा, 15, यानी आपका आंसर क्या आ गया है, 15 21, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको ट्रिक एग्ज़ाम में अपनाना है, ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए आपके है, आपके लिए है, ये आपके माइंड को अच्छा रखेगा, आपकी एक्यूरेसी को अच्छा रखेगा। और एग्ज़ाम में देखिए बहुत कुछ रहता है, सिर्फ मैथ का कैलकुलेशन नहीं रहता, ठीक है, तो इसलिए ट्रिक्स भी हमको जो इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो एक्चुअली हमको फास्ट बनाते हैं उन्हीं ट्रिक्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने मल्टीप्लिकेशन का बहुत सारा ट्रिक बताया था, आप जाके वहाँ से देख लेंगे तो वहाँ से भी आपको स्क्वायर का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, चलें। जैसे इसी में अगर हम लोग थोड़ा सा हायर पावर का देखें, तो हायर पावर का देखेंगे तो हम लोग एक देख लेते हैं थर्ड नंबर, ठीक है। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपको 98 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 98 का स्क्वायर, तो ये तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा आपके लिए, 98 × 98, तरीका तो आपको पता है, ये 100 से 2 छोटा है, ये भी 100 से 2 छोटा है, दोनों तो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो 98 में 2 को कम करो किसी भी तरह से तो क्या होगा, ये आप लिखोगे 96, ठीक है, 98 में माइनस 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 96। अब इन दोनों का गुना क्या होगा, -2 × -2 = 4, तो इसको आप ऐसे लिखते हो 0 4, तो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, ठीक है। चलो इसी तरीके से एक और ले लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया 94 का स्क्वायर, ठीक है, तो वेरी सिंपल है, 94 × 94, ठीक है। अब आप देखें ये भी आपका 6 छोटा है 100 से, ये भी 6 छोटा है, ठीक है, किसी भी तरीके से आप क्रॉस करेंगे तो 94 में 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, 88 आएगा, किसी भी तरफ से कर लीजिए, दोनों तरफ से तो बराबर है, ठीक है, तो 94 में 6 88, और इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी के साथ आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, आपको इन ट्रिक्स को एग्ज़ाम में फॉलो करना है और बिल्कुल मस्त रहना है, ठीक है। ये तो हो गया 2 डिजिट्स का, आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर है कैसे करना है, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 3 डिजिट्स की तरफ, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों का है 3 डिजिट्स, ठीक है, तैयार हो जाइए। चलें अब हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। इसमें भी देखिए पहले वही बात होगी कि इसमें जैसे सपोज़ कीजिए कि आपके यूनिट प्लेस में 5 है, ठीक है, तो अगर यूनिट प्लेस में आपका 5 है तो वही लॉजिक चलेगा। जैसे देखिए 105 का स्क्वायर करना है, क्या करेंगे आप 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा, 25, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक है, 5 का स्क्वायर कर दिया, 25, क्या बचा, 10। अब 10 के आगे कौन सा संख्या आता है, 11, 10 को 11 से गुना कीजिए, क्या आएगा, 110 हो गया आंसर, ठीक है। अगर आपको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है आपको 107 को, ठीक है, 107 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही होगा, सॉरी अभी तो मैं 5 वाला बता रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, तो 5 वाला पहले पूरा कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसी तरीके से ले लूँ 125 का स्क्वायर, ठीक है, तो फिर से 5 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो क्या आएगा, 25, और 12 के बाद कौन सा अंक आता है, तो 12 के बाद आता है 13, ठीक है, 12 और 13 को गुना कीजिए, क्या आ जाएगा, 156, तो यहाँ पे लिख दीजिए 156, हो गया,
ठीक है, देखिए बिल्कुल बिल्कुल आसानी से आप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पाँच वाला तो वही चलेगा जैसे मैंने आपको बताया था, पाँच का वही सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, अगर आपका अदर केस है, मतलब पाँच के अलावा वाला, तब कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको 119 का स्क्वायर दे दिया जाए, ठीक है। तो 119 के लिए वही लॉजिक अपना सकते हैं, क्या है ये 119 गुना 119, ठीक है। तब हम वो देखेंगे कि भाई ये जो है 100 से कितना है, 19 ज़्यादा है, ये भी 100 से 19 ज़्यादा है, ठीक है, दोनों अधिक है। हाँ, अब आप क्रॉस करिए और कोई भी एक ले लीजिए, 119 में 19 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 138, ठीक है। अब 19 और 19 को गुना कर दीजिए, तो 19 और 19 का गुना कितना आता है, ठीक है, 361 आता है ना। तो यहाँ पे 361 तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, मैंने आपको तरीका बताया था, आपको यहाँ पे दो ही प्लेस लिखना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा 61, ठीक है, 61 लिख लेंगे। और उसके बाद फिर क्या करना है, इस तीन को 138 में जोड़ देना है। तो 138 में तीन जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 141। देख पा रहे हैं 119 का स्क्वायर हम लोगों ने कैसे कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर इसका 100 से रिश्ता था तो हो गया, अगर कुछ और आएगा तो कैसे करेंगे। तो भाई मेरे पास सब चीज़ का हल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको पूरे लॉजिक्स बताने वाला हूँ, आप बिल्कुल इत्मीनान से मेरी वीडियो को पूरा देखते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज़ कीजिए मेरे को 213 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 213 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो भाई ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है, इसको आप करो 200 प्लस 13 का स्क्वायर। अब ये सब देखिए आपको मन में करना है, ठीक है, बिल्कुल मन में करना है। a प्लस बी का स्क्वायर आपने बचपन में रटा था, ये किस दिन के लिए रटा था भाई, कब काम आएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो। और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab, इतना ही तो फ़र्क है, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे करना है, तो पहले 200 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 2 जीरो के बदले में क्या हो जाएगा, 4 जीरो, 40,000 आ गया, ठीक है। फिर आप 13 का स्क्वायर करोगे, b का स्क्वायर कितना होता है, 169, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने में कितना सेकंड लगेगा, बहुत कम, ठीक है। फिर आता है 2ab का मतलब क्या, 13 दूना 26 और फिर 1 2, तो 26 दूना 52, तो क्या हो जा रहा है आपका यहाँ पे 52 और 2 जीरो। अब इसको पूरा जोड़ दो, ये सब जोड़ना भी तो बहुत सिंपल है, ठीक है, चुटकियों में जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 45369। तो यही मैं कर रहा था वहाँ पे, डायरेक्ट देखो यहाँ पे मैंने देख लिया 204, 40,000 कर दिया, 40,000 और 169, 40,169, 13 दुनी 26 दुनी 5200। तो इतना तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे फास्ट हो जाएगा, सब कुछ ट्रिक्स पे ही डाल देंगे तो फिर आपका दिमाग क्या करेगा, कुछ दिमाग पे भी डालो भाई, आपका दिमाग किंग है, ये बहुत कुछ करता है, ठीक है। चलो आपको ये समझ में आ गया, चलिए थोड़ा बड़ा ले लेते हैं और ख़तरनाक टाइप का, थोड़ा डेंजर डरने वाला, 388 का स्क्वायर, इसको क्या करने के रहता है भाई, इसको भी कर दो 400 माइनस 12 कर दो ऐसा, ठीक है, क्या दिक्कत है। अब देखिए ये 400 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का होता है 16 और 4 जीरो लगा दो, ये तो इतना तो आप जानते हो, 2 जीरो के बदले में स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो, फिर क्या होगा 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144, इन दोनों को तो आपको फटाक सा जोड़ देना है, बिल्कुल पलक झपकते, ठीक है। फिर अब माइनस वाला केस है तो माइनस 2ab होगा, ऊपर देख लीजिए, तो माइनस 2ab यानी 12 चौके 48, 48 दूना 96, तो यानी यहाँ पे हमको क्या करना है, माइनस कर देना है 9600, ठीक है, एकदम फटाफट माइनस कर लो भाई, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, निकाल लो कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लो क्या स्क्वायर आता है, ठीक है। ये तो मैं देखिए समझा रहा हूँ, आप इसको अगर वाकई दिल से लगाएंगे, थोड़ा आपके जाके सीने में टच करेगा ना ये ट्रिक, तो एकदम फटाफट फटाफट आप लिख पाएंगे इसको, ठीक है। अच्छा, ये सब होल नंबर के करीब था, किसी को मन में आ रहा होगा कि भैया ज़रा इसका करके बताओ, 457 का स्क्वायर, चलो ठीक है, इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। 450 ले लीजिए प्लस 7 ले लीजिए, भाई बीच का तो कम से कम मिल जाएगा, 100 से डिफरेंस होगा, ज़्यादा जाएगा 100 के बाद, 400 और 500 के बीच में जाएगा तो 450 तो पकड़ में आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया 45 का स्क्वायर आ गया, ये कैसे करोगे, तो अभी मैंने ऊपर बताया है आपको कि भाई 45 वाला तो बहुत सिंपल होता है, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा, 4 के बाद कौन सा अंक आता है, 4 के बाद आता है 5, 4 पचे क्या हो गया 20, तो ये 450 और 1 जीरो के बदले 00 हो गया,
कितना जल्दी किया मैंने, देखा आपने, 5 का किया स्क्वायर, 4 के बाद आता है 5, तो 4 × 5 = 20। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे भी 5 होगा उसको तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो 45 का तो आपको मैंने समझाया हुआ है, तो ये आ गया 45 का, 10 के बदले 00, फिर 7 का स्क्वायर 49, इसको जोड़ने में कितना टाइम लगेगा, 20, 25 और 49, ठीक है। फिर यहाँ पर 2ab लगा दो, तो 2ab कैसे लगेगा, 45 को करना 2 से 90 और 90 × 9 = 63, तो यहाँ पे आपका आ गया 6300, ठीक है। सबको आप मिला करके जोड़ दो, क्या आता है, 9488820। निकाल लो कैलकुलेटर, देखो क्या यही आ रहा आंसर, बिल्कुल यही आएगा भाई, चूकेगा नहीं। तो आप देखिए, मैंने आज में आपको जो भी बातें बताई हैं ना, उसको सीरियस लीजिएगा, ठीक है। और ट्रिक्स के मामले में ट्रिक को ट्रिक ही रहने देना है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है, तो इसको अपने तक मत रखिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, भाई मेहनत करता हूँ तो इससे आपको फ़ायदा तो होना चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर हटिएगा नहीं, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, अपना आज अपना कल जगमगाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।